आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पार्ट 3। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे थोड़ा जल्दी पार्ट 3 लाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। मैं रीज़न आपको दिखाऊंगा। पहले तो मेरे को एक डॉगी मिल चुका है, तो चलिए। और इस पार्ट पे मैं आपको बहुत सारे नए नए चीज़ भी दिखाऊंगा जो मैंने चेंजेस किया है अपने घर पे। ये देखो, ये ऊपर आने जाने का एक लिफ्ट है जो हमें बहुत जल्दी ऊपर पहुंचा देती है। ये है 3rd फ्लोर जो मैंने बनाया है। अरे बहन चो, तू कैसे आया लौड़े? तू भी आ सकते, बहुत बढ़िया, मेरे को ये नहीं मालूम था। तो ये एक बेलकोनी है, देखो गाइस, ये मेरा प्लान है इसको ऐसे बनाना है। आप इस यहाँ से नीचे भी नहीं गिरेंगे, ये बहुत सेफ्टी है। चलो यहाँ पर हमारा एक बेड है और चारों साइड हमने व्यू देखने के लिए ऐसा बना दिया है। एकदम पूरा ललन टॉप वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। तो ये घर गाइस आप देख रहे हैं, इस घर का प्राइस करीबन 10 करोड़ है। मतलब गेम में, असली जिंदगी पे नहीं। चलो अभी हम लोग नीचे जाते हैं, हमारे बकरी और गाय को खाना देते हैं। यहाँ पर हमारा एक बेड था जो फिलहाल गायब हो चुका है, हमें फिर से बेड बनाना पड़ेगा। एक कहाँ रह गया हमारा मादर चूत डॉगी? मैं ऐसे ही उसको गाली दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे को इस तरफ कुछ दिखा, रेड रेड। ओ भाई, इसको कौन मार रहा है? ओ बहन चोर, माँ चोर दिया लौड़े, माँ चोर दिया। तू रुक जा चुतिए, सुअर के लंड। ओबे बे बे बे, देखो भाई, इसने मेरे सारे भेड़ियों को मार दिया। ये बहन चोद बहन का लौड़ा, तेरी माँ चोद देता मैं लौड़े, तो अंदर घुसा कैसे? तू अपन वाला ही है ना? हाँ, ये मेरा ही डॉगी है, सॉरी। ये साला आया कहाँ से अंदर? पत्नियों को मार दिया। ये मदर चो दां कहाँ से ले रहे? लोड़े के बच्चे, लोड़े के बाल। माँ चो दूंगा मैं, रुको भाई, पहले घर में जाने दे। तो घुस जा, हाथ हुआ शेरू। चल, तेरे को भी बाहर रहना है रहे। साले किसी को अंदर आना नहीं। आजा अभी, तो बैठ चुपचाप, जब देखो आप साला कुदकता रहता। चलो, मेरे को हड्डी मिल चुकी है। मेरे जितने भी भेड़ थे वो सब शहीद हो चुके हैं। मेरे को एक बेड चाहिए। बेड के लिए क्या करना होता है? तो गाइस, मैं ये ऑन कर लेता। इसके लिए हमें चाहिए वुड्स ब्लॉक। ऊपर के चेस्ट में जाके देखे हमें मिलता है या नहीं। नहीं मिलेगा तो मेरे को
काट के लाना पड़ेगा। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर तो चेस्ट वेस्ट कुछ है नहीं। चलो मुझे लग रहा है वहां पर जो चल तू उठ जा, अब तेरे को एक साथी मिलेगा। यहाँ पर जो ये पेड़ है ना, इस पेड़ के ऊपर से लगता है मेरे को ये आ रहा है। रुको मैं ये पेड़ ही काट देता हूँ। इसने मेरे सारे भेड़ बकरी सबको मार दिया, बुरा लग रहा है यार भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे ये मतलब क्या, यहाँ पर स्पॉन कैसे हो रहा है ये? ओ मेरा वाला अंदर चला गया, मतलब क्या यार, मार ज़ॉम्बी को चूतिए लोग। मार, अरे ये कैसे कुत्ते हो रहे, मार नहीं रहे? हाँ मार दिया, चल बहुत बढ़िया। हाथ टूट गया, तेरे को भी मारूंगा आज मैं, तेरा भी गुंड मार दूंगा। ओ भाई ये कैसा ज़ॉम्बी है यार, ओपे ओपे मेरे घर में अगर घुसा ना, सच्ची में बोल रहा हूँ तेरा गुंड मार दूंगा मैं। हक साड़े, निकल भाई भाई भाई, भाई कितने अंडे हैं भाई।
चलो इन लोगों के लिए व्हीट मिल गया है, सुअर को खाना खिला दिया है, अभी हम गायों को खिलाते हैं। कितने सारे हैं यहाँ, भी खाते हैं। खत जाओ खत जाओ खाओ खत जाओ खत जाओ खाओ खत जाओ खत जाओ खाओ खत जाओ खाओ। आ जाओ इस कोने पे आ जाओ। अभी तो हमें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि एक जंगली कुत्ता के मेरे सारे बकरियों को मार दिया थे, तो अभी मेरे को तो वापस बकरी चाहिए, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ जंगल में। लेकिन देखते हैं हमें बकरी मिलते हैं कि नहीं। हमें बकरी चाहिए, एक बेड भी बनाना है और कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन हमें बकरी नहीं मिलती। और अभी रात भी होने वाली है, हमको घर जाना है, और इसलिए मैंने ये लंबा घर बनाया था ताकि मुझे दूर से दिख जाए और मैं आसानी से घर ढूंढ सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं घर, क्योंकि अभी तो बकरी नहीं मिलेगी। पहले पार्ट में मुझे बकरी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी, तो चलो अभी के लिए तो घर चलते हैं, बाद में ढूंढेंगे बकरी। हाँ उस साइड पे है, इसलिए मैंने बनाया था ये घर ताकि मुझे आसानी से अपना घर दिख जाए। चलो ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मेरा जो स्पेस का घर है वो दिखा देते हैं। चलो ये ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है। ये देखो गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ पेड़ लगाया हुआ है, ये एक फार्म जैसा बनाया है। यहाँ पर रखूँगा कुत्ते लोगों को। यहाँ पर मेरा एक चेस्ट है जहाँ पर कुछ चीज़ें रखा हुआ है जो मैं ले। ओ ये तो मेरा ही है इन्वेंटरी। तो मुझे बकेट चाहिए फिलहाल, यहाँ पर चेस्ट है हाँ, लेकिन कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, पूरा खाली है। हम लोग जाते हैं नीचे, लाएंगे बकेट और पानी डाल देंगे। मुझे बकेट मिल चुका है। चलो हमारे पास डायमंड भी है, बाद में बनाएंगे क्योंकि हमें चाहिए हमारा वुड। तो कोल को रखते हैं। 18 सीप्स थे मेरे जो इन कुत्तों ने मार दिया। अब हम भी क्या करें, कुछ कर नहीं।
मॉन्स्टर यहाँ पर कहाँ पर मॉन्स्टर है? बैंगलोर ये गेम पूरा मादरचोद है, पगला गया है। तो ये बहुत ही लंबा हो जा रहा है ये पार्ट, तो मैं सिर्फ आपको इजी ऊपर आने जाने के लिए एक पानी का क्लिप बनाऊंगा। आजा, कौन आएगा? अभी हमको मारेगा, हाथ लगा के दिखाए साले को। चलो डॉगीज, लेट्स गो टू आवर स्पेस हाउस। हमें बहुत ही मुश्किल के बाद एक बकरी मिल चुकी है। चल बे साढ़े चल, साढ़े चल, खड़ा हो जा। अबे व्हाट द हैक, मर गए। अरे भाई, मेरे को लगा था मेरे डॉगीज मर चुके हैं, लेकिन नहीं, ये साले जिंदा है। आराम के पिल्ले। ओ भाई, ऐसे ही जाते हैं क्या ऊपर? जेब बा, तो चलो अभी अपन भी जाएंगे। लेकिन ये हमको अंदर क्यों नहीं जाने भाई? सज्जन को क्या तकलीफ तकलीफ है भाई? हम ऐसे ही ऊपर नहीं जा सकते, हमें ऊपर जाने के लिए इस पानी के बहाव को रोकना पड़ेगा। तो चलो रोकते, लग जाते हैं काम पे। तो गाइस, फाइनली हो गया है हमारा काम, अब चलियो ऊपर चलते हैं। हम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, एकदम रॉकेट की तरह। लेकिन हमारा घर बहुत ऊपर
पर होने के कारण अभी देखो हमारा हेल्थ कम हो जा रहा है, लगता है पानी पे ही मर जाएंगे। अरे बस पहुंच पहुंच गए। अबे नहीं, नहीं। मार चुक गया गाइस। बाय, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये सब कुछ फिक्स कर दूंगा। तब तक के लिए बाय गाइस।